मैं लौट कर जरूर आऊंगा। हारना मेरी आदत नहीं है। आने वाला वक्त जरूर बदलेगा। भाई एक सिगरेट देना, पूरा पैकेट देना। जरा अपना फोन दीजिए, मुझे फोन दे सकती हैं आप अपना? हेलो, मैं मैराडोना बात कर रहा हूं। बस थोड़ा सा है बेटा, उसे खा लो। अच्छा थोड़ा खाना मैं खाती हूँ, थोड़ा तुम खा लो। प्लीज मम्मा मुझे नहीं खाना। दिया पहले पानी पीना बंद करो। अरे उसे तीखा लगा होगा, जाने दो, उसे नहीं खाना है तो अब ठीक है ना? पॉपकॉर्न खा चुकी है ना, इसीलिए नहीं खा रही। एक्सक्यूज मी, वन सेकेंड सर। यस सर। बिल प्लीज। ओके, क्या आप ये सब पैक कर देंगे प्लीज? श्योर मैम, थैंक यू। आपको और कुछ चाहिए सर? हाँ, 3 बटरस्कॉच आइसक्रीम। ओके, मुझे नहीं चाहिए। मेक इट 2। ठीक है, हम दोनों ही खा लेंगे। लगता है मम्मी गुस्से में है। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, निजाम। निजाम का कॉल है। हाँ तो बात करो। हाँ बोलिए निजाम भाई। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था कि कहीं घर वालों को कुछ हुआ तो नहीं। बेटा जाओ, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ याद क्यों नहीं? शायद अभी मिलूंगा तो याद आ जाएगा। आप मिल चुके होंगे, सच कहूं तो वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। मैं दे दूंगा, तुम बाद में आराम से लौटा देना।
तुम वहां बैठ जाओ। अरे इसे ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, खुद को तकलीफ मत दो, बैठ जाओ। चलो मैंने मेरे दोस्त को फोन किया था लेकिन वो मिला नहीं और मैं यहाँ किसी को जानता नहीं और इसी वजह से आखिर मैंने निजाम भाई को कॉल किया। अरे कोई बात नहीं। अब तुम्हारा पैर कैसा है? अब पैर की नस दब गई है तो दर्द तो हो ही रहा है। जिस गाड़ी ने तुम्हें ठोका उसका नंबर याद है तुम्हें? नहीं मैं देख नहीं पाया, अब वो स्पीड में निकल गया था। अरे वो मारथली गांव है ना, वो यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर होगा। हम चाहें तो वहाँ जाके फोन को ढूंढ सकते हैं। मैं खुद वहाँ जाकर ढूंढने की सोच रहा था लेकिन जब मैंने फोन ट्राई किया तो पहले रिंग गई उसके बाद स्विच ऑफ आ रहा था, मतलब फोन भी गया। अरे वहाँ पार्टी ऑफिस के पास वो ग्राउंड आज भी है ना? लेकिन अभी वहाँ विला बनाया है। ओ, जब निजाम पार्टी के काम में बिजी रहता था तो हम सब वहीं टाइम पास करते थे। आओ। श्री, मैं 2 मिनट में इसे सुला के आती हूँ। आओ आओ। वहाँ बैठो ना। चलो आओ रेम्बो, आओ मेरे साथ। आओ आओ आओ। चलो चलो जल्दी जल्दी। Come on. अच्छा ये देखो, शायद ये तुम्हें फिट आएगा। हाँ नादिया, सब सेट हो गया? हाँ। तुम थक गए होगे ना, आराम कर लो, हम कल बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। नादी, जरूरत पड़ने पर निजाम ने हमें याद तो किया, हमें बुलाया उसने, सब ठीक हो जाएगा। वो दूसरे अंकल हैं, वो मैराडोना अंकल हैं। मैराडोना। श्री? हाँ? हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। बाय। बाय। मैराडोना को खाना खिला देना। हाँ। ध्यान से। ओके? बाय। अच्छा सुनो। हाँ? ये नहीं चाहिए? अरे मैं तो भूल ही गई थी। ये। बाय। टाटा। बाय। तुम्हारा फुटबॉल का गेम कैसा चल रहा है? अरे वाह, तुम्हें याद है? जब तुम लोग काम के लिए बाहर जाते होगे तो माँ अकेली पड़ जाती होगी ना? माँ की अभी इतनी उम्र तो नहीं हुई है और वैसे भी काम संभालने के लिए आदमी है वहाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। बेटा ये लो खाओ। श्री भाई। हाँ? कोई पुराना फोन होगा आपके पास? हमारे पास एक पुराना फोन पड़ा था ना। अरे शेल्फ में पड़ा होगा, देखो। हाँ, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ। दिया बेटा वॉल्यूम कम तो करो, 10 मिनट ही हैं, फिर बाद में बंद करना होगा। तुम्हें खाना पसंद तो आया ना? हाँ, टेस्टी है। इस तरह पूछने से कोई सच कहता है, क्यों सच कहा ना। अच्छा सुनो, शादी को 8-9 साल हो चुके हैं, अब तक हनीमून जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब मौका बन रहा है इसलिए हम परसों एक ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं। ओह हाँ, दिल्ली, कुल्लू मनाली, शिमला, ये सारी जगह। और आगरा। हाँ आगरा भी। तो ऐसी एक लंबी ट्रिप का प्लान है और कुछ नहीं। मैं मेरे दोस्त को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे वो बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ रुकने से हमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और रैम्बो को सामने वाले फ्लैट में ही रखने का सोच रहे थे लेकिन वहां जो है वो थोड़े एजेड है, बस यही बात है। अगर तुम गांव जाना चाहते हो तो मैं टिकट बुक कर देता हूं। अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो मैं ही ठहर जाता हूं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर माँ मुझे इस हाल में गांव में देखेगी तो परेशान हो जाएगी। तुम फिलहाल यहीं रहो। लेकिन खाने पीने का इंतजाम कैसे करोगे? मैं सिक्योरिटी को बोल दूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा ना। परेशानी नहीं होगी ना? अरे कोई परेशानी नहीं है। ओके।
रैम्बो नो नो ने देखा था ना बड़े भाई वो जिस गाड़ी में भागा था ना वो कुनंगल रोड के पास मिली। तुमने उन लोगों को देखा था क्या? हाँ सर, वो दो लोग थे और कैलिकट से यहाँ टैक्सी में आए थे। कैलिकट से आए हैं, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने एलेंत्रा ट्रैवल्स का नाम लिया और यहाँ के ट्रैवलर्स हमेशा यहीं आते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहन, यहाँ अनवर का घर कौन सा है? हाँ, यही अनवर की माँ। ये उसकी माँ है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। बड़े भाई, वहाँ किसी तरह का इशारा नहीं होना चाहिए, उसे भनक नहीं लगनी चाहिए। अपना काम करेंगे। कुछ ऑर्डर कीजिए ना। दो सुलेमानी, सुलेमानी अच्छा मिलता है। दो सुलेमानी देना। वो अनवर की बहन है ना, छोटी बहन हसीना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ऐसा ही है। ये होगा शायद, मुझे भी वही लग रहा था पहले। अरे भाई सुलेमानी भेजो। ऐसी ही सुलेमानी चाय चेक मंगलूर के रास्ते में मिलती है ना अनवर? सर क्या बताऊं? अनवर मुझे साफ साफ बताओ, कौन थे वो लोग? मैं उनका आगा पीछा नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि वो लोग त्रिशूर से थे। यहां किसी पॉलिटिक्स वाले की पार्टी चल रही थी, उसका कोलीकोड में ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए उन्हें घुमाने का काम मुझे मिला था। सच कहूं तो मैं बस 2 दिनों के लिए मिला था उनको। ने सबले का रख दिया पापा ना? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। माँ ये पापा को चार्जिंग के लिए दो। कितनी बार कहा है पापा का फोन मत छुआ करो। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बेटा सुनो, पहले जाकर दूध पियो और इसे चार्जिंग में लगा दो। मंदिर में कंपटीशन है आज शाम को। माँ मैं जा रही हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती कृष्णा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3rd B। तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई? नागावली बनी हो ना? कभी कभी। तो जरा मानी चित्र जो फिल्म का डायलॉग बोलकर दिखाओ। अरे क्या था रे वो डायलॉग? कौन सा डायलॉग? अरे वो हाथ हिला के जबरदस्त डायलॉग था ना कुछ, आज दुर्गाष्टमी वाला। आज दुर्गाष्टमी है, चलो करके दिखाओ, तो मान जाऊंगा तुम्हें। कह दो कभी और दिखा दूंगी। आज शाम को कॉम्पिटिशन है ना, मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। एक मिनट आती हूँ। माँ तो यही बोलेगी, तुम करके दिखाओ। प्लीज, मैं बाद में दिखाती हूँ। किसी और दिन नहीं, अभी करके दिखाओ ना, एक मिनट लगेगा। प्लीज 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 करके दिखाओ। क्या बेटा, तुमसे कितनी बार प्लीज कहा, दिखाओ ना करके। नहीं अंकल, बस एक ही बार बेटा प्लीज। ऐसे मना करोगे तो अच्छा नहीं लगता, जब करके दिखाओगी तभी जा पाओगी। अब दिख रही हो तुम नागिन की तरह।
चलो करके दिखाओ। करके दिखाओ, दिखाओ करके। पापा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरी बच्ची को। क्या हुआ, डर गई हो? डायलॉग्स याद नहीं आ रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, अब अंकल करके दिखाएंगे। हाँ उतना ही करो तो भी काफी है। ओके तो करके दिखाऊं? तू मुझे हंसाना मत। नहीं, नहीं। अबे तेरी तो मैं यहां पर काम कर रहा हूं ना, डिस्टर्ब मत करो। तुम करके दिखाओ, चलो। छोड़ दो। पिछली बार जब वो मिले थे तो क्या कहा था? हाँ? क्या बोला था? आगे से कोर्ट के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे टांग तोड़ के रख देगा, नहीं माना ना? ये सब मजाक लग रहा है क्या तुझे? अगर दोबारा उनमें से कोई मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा सर। उन दोनों का नाम क्या था? सुधी और मैराडोना। हेलो। हाँ श्री भाई, कहाँ पहुंचे हो आप? शिमला पहुंचे हम। अच्छा, तो अभी वहां से सीधे मनाली है ना? हाँ, सब ठीक है ना? पैर कैसा है? पैर थोड़ा बहुत ठीक है। और रैम्बो क्या कह रहा है? रैम्बो तो बहुत ही खुश है। रैम्बो को मैंने दूध और अंडा खिलाया था। अच्छा, और तुमने कुछ खाया या नहीं? हाँ, मैंने सुबह ही खा लिया था। ओके। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, शायद सिग्नल ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, हैप्पी जर्नी। सबको वहां पे कह देना मैं उनको याद कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ओके, रखता हूँ।
एक मिनट। हेलो। हाँ निजाम भाई, मैं मैराडोना बोल रहा हूँ। क्या बात है बता। अच्छा, यहाँ की फैमिली टूर पर गई हुई है और उन्होंने जो चाबी दी थी वो बदल गई है, तो दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो अब मैं इस फ्लैट में बंद हो चुका हूँ। अगर ऐसे बंद रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तेरे पास तो हॉस्पिटल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, इसी बात के लिए तूने फोन किया था ना। तो अब किससे पूछ के तू घर के अंदर पहुँच गया और अभी तक तू वहीं पे रुका हुआ है? जेल से बेहतर है वहीं पे पड़ा रहे। वैसे अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है, फिर भी लेकिन थोड़ा होशियारी के साथ आ रहे हो ना? एक मिनट है। और सुन, बार बार मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो मैं तुझे खुद फोन कर लूंगा, समझा? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी रिकवरी हो भी जाए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता उनकी मेमोरी की है, क्योंकि हेड इंजरी बहुत सीरियस है। वो खतरे से बाहर है, ये बात कब तक कंफर्म होगी? वी हैव टू वेट सर। अरे तो उसी तरह काम संभाल लेना और जो कुछ भी बचेगा वो मैं संभालूंगा। देखिए, इसकी कोई न्यूज ना बने, आप समझ सकते हैं ना? मैंने कहा ना, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जया जी, दीदी चलिए आइए। क्या हुआ मार्टिन? मैं कोलिकोड में वकील के पास हूँ। हाँ। वो लोग त्रिशूर गांव से हैं, मैं वहीं जाने वाला हूँ डिटेल्स लेने के लिए। डिटेल मिलने के बाद मैं खुद आकर मिलूंगा। ठीक है ठीक है। इलेक्शन आने वाले हैं, मीटिंग के लिए आया था मैं। हाँ समझ गया मैं। ए राजेश, वो नंबर नहीं देना। तो फिर मैं चलता हूँ, थोड़ा काम। हाँ, ठीक है। हाँ, बताओ। वैसे मार्टिन, हाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पार्टी के लेवल की नहीं है। ठीक है ठीक है, मैंने सेव कर लिया, चलता हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क में नहीं है। वो लोग साधारण बात करने के अलावा कोई खास बात कर रहे थे क्या? सर, वो लोग ज्यादातर गाड़ियों की बातें कर रहे थे, पावर और मॉडल की बातें। आगे जाते हुए हमारी गाड़ी खराब भी हुई थी, उन्होंने ही गाड़ी को ठीक किया था फिर चालू हुई थी। हाँ भाई, सूदी और मैराडोना तो है ही, हमारी गाड़ी के हर एक प्रॉब्लम यही सॉल्व करते हैं। बात क्या है? एक नंबर। चल। सर, ये लोग खून खराबा करने वाले लोग हैं, कुछ दिन पहले गायब भी हुए थे, दाल में कुछ तो काला है सर। आप उनसे कब मिले थे? बहुत दिन हो गए सर।
अरे उनके शौक तो अलग ही थे। वैसे आपका नाम क्या है? एंथनी। सॉरी, वो जेब बिक गई, मैं आपको दूसरी ला कर देता हूँ। अरे मेरी बात सुन, मैंने तुझे गुंडों के साथ घूमने से मना किया है ना? सुधी अभी कहाँ है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। हमारे बीच अब कुछ लेना देना नहीं है। जब मर्जी होती है आता है, फिर चला जाता है। देखिए, जब इसकी शादी हुई तो सोचा कि शायद वो सुधर जाएगा, कम से कम इससे तो उम्मीद थी, पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों ही बच्चे ही हैं सर, पैसे मिले तो वो मुझे भी मार देगा। जब लोन निकाला था घर बनाने के लिए, हाँ मुझे लगा सब ठीक होगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो जिम्मेदारी भी मुझ पे आ गई। कुछ लोग कभी सुधरते नहीं है सर। और कोई क्लोज फ्रेंड है क्या? मुझे तो उस पर पहले से ही शक था। मैंने तुमसे कहा भी था ऐसे ही होगा। नहीं, गांव वाली है। उसे जाने दो। एक लड़की हमेशा सेल्फी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालती थी, अचानक से गायब हो गई। अबे मैयत पे थोड़ी गई है, क्लोज फ्रेंड की शादी में गई है ना। आखिर जॉली कहाँ गई और उसने हमसे झूठ क्यों बोला? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए मैं सजना के FB पोस्ट पे पहुंची। और तुम्हें पता है उसने FB पे एक प्यारी सी पोएम लिखी थी, कुछ समझी? अरे पागल, वो छोड़, तूने सजना के बाइक के किचन को देखा क्या? हाँ, ध्यान देना चाहिए ना। अरे सुन ना, टेडी बियर अपने जॉली को बहुत पसंद है, वो जो डोर पे लटकाते हैं वो। हाँ, घोड़ा, बाइक, किचन, वीकेंड, गर्ग। हाँ ये हुई ना बात, मुझे तो पक्का पता है।
अपनी वो रेशमा शादी से वापस आई थी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तूने भले नहीं देखी होगी लेकिन मैंने देखी है। मैंने तो उसी दिन बताया था लेकिन तूने नहीं सुना। ठीक है बाकी बातें बाद में करते हैं ओके। यहां रखो, अंदर ही ठीक रहेगा। सुनिए हाँ, आपने मेरी सर की कसम खाई थी कि सब कुछ छोड़ दिया। रोजी तुम तो जानती हो ना, कोई कल सर के काम के लिए हम मना नहीं कर सकते। किसी का खून करने नहीं जा रहे, दो लोगों को ढूंढने जा रहे हैं, बस इतना ही इतना ही इतना ही। हाँ अरविंदन मरा नहीं है, अगर मरता तो न्यूज में खबर जरूर आती। कोई कल किसी भी हाल में पुलिस के पास तो नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने साले से कुछ करवाने की सोचेगा। चुप हो जाओ बेटा, सुनो इसे अंदर सुला दो जाओ। एंथनी वो लड़के मिल जाने के बाद फिर से तुम दोनों को काम पर जाना होगा। ओके नहीं बेटा रो मत, चलो कोई बात नहीं। सर पिछले 3 सालों से एक आंदोलन चल रहा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। इस मुद्दे को लेकर कोईकल सर ने जो कुछ भी किया है या एक मुहिम छेड़ा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे कोईकल इस शहर का एमपी है, उसने क्या काम किया है, कितने झूठे वादे किए हैं, वो सबके सामने है। इस इलेक्शन में जीत हमारी ही होगी। अब देखिए जनता पागल तो है नहीं, पिछले 3 सालों से उसने क्या काम किया है आप खुद ही देख लीजिए, जनता जवाब देगी उनको। मुझे ढूंढने के लिए आए थे क्या? नहीं क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। क्या आप मुझे सिद्धि का नंबर भेज सकते हैं? कौन से देखिए? वही अपने गैंग का सिद्धिक। बात क्या है? अरे वो घर का कुछ था इसके लिए। हाँ वो लोग अब तक आए नहीं क्या? नहीं अब तक तो नहीं आए, अभी 2 दिन और लगेंगे, नॉर्थ इंडिया घूमने गए हैं ना। ओह तो फिर तेरा सारा काम? अभी तक तो मैं खुद ही संभाल ले रहा हूँ। और बाहर आके करेंगे भी क्या? वैसे मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ लेकिन यहाँ बोर बहुत हो रहा हूँ, लेकिन एडजस्ट कर ले रहा हूँ, फिर आदत पड़ जाएगी। चल ठीक है, उनके आने के बाद तू वहाँ से चला जाएगा ना? हाँ भाई मैं चला जाऊंगा। वैसे उस टीचर का नंबर क्या है? हाँ वो मैं भेज दूंगा। ओके भाई। देखिए मेरी बात समझिए, पार्टी का नाम खराब करने वाला कोई भी डील हम नहीं करते हैं। जानते हैं ना पार्टी की क्या इज्जत है, जस्ट यूज एंड थ्रो है इधर। एक बार काम खत्म हो जाने के बाद किसी को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, मामला खत्म तो पैसा देके बात खत्म करते हैं। मतलब तुम सुधी को करीब से नहीं जानते? नहीं। और मैराडोना? वैसे तो वो दूर का रिश्तेदार है मेरा, लेकिन करीबी नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे कोई जानकारी लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि वो अब छिपकर ही जिएंगे। निजाम। हाँ ये मार्टिन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? अरे वो वकील के केस के बारे में जानने आया था। देखो पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। नहीं भाई मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वैसे उन लोगों ने कुछ और भी कांड किए हैं, इसलिए तुम उन्हें बचाने की कोशिश मत करना। हाँ समझ गया। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ये सब बातें छोड़कर इलेक्शन पर ध्यान दो। सर तुम पर बहुत खुश है इसलिए अपना सोचो और इस मामले को समझे ना। हर किस मत बोलना, तू पहले काम तो बता। मेरा प्यार सच्चा है, दिल मेरा बच्चा है, तुम समझोगे नहीं। लेकिन इस गाने की पहली लाइन क्या है, मैं तो कब से सोच रही हूँ, तू याद करके बता ना। फोन कट कर, अभी मुझे बहुत काम है। इतनी बिजी, तू तो अंबानी है ना, चल रख फोन। तू हेलो
चमक रहे हैं हजारों तारे आसमान में, चमक रहे हैं। हेलो, कौन है आप? मलयाली हो ना? हेलो, और शायद आदमी हो? आदमी हो ना? हेलो, अरे कहाँ चला गया? वेट, तुम्हें जाने के लिए किसने मना किया है? बस बता कर जाओ, इतनी सी रिक्वेस्ट है ना यार। एक मैसेज भेजने के लिए कितना वक्त लगता है? ठीक है, जल्दी आ जाना। सिगरेट है क्या? आई हेट स्मोकिंग। और तुम कौन हो? मैं नादिया का कजिन ब्रदर हूँ। मैं तमिल में बात कर रहा था, आपको कैसे पता चला? क्या आपको भी तमिल आती है? वो मेरी माँ रीजनल सीरियल देखती है और मुझे उस लैंग्वेज की मूवीज बहुत पसंद है। मैं तो तलाइवा का फैन हूँ। ओह, मैं भी हूँ। बाय द वे, मैं नरेश। मैराडोना। दो तीन दिन से दिया की फैमिली नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वो लोग फैमिली ट्रिप के लिए गए हैं, दो दिन में आ जाएंगे। ये चोट कैसे लगी? हाँ, छोटे से एक्सीडेंट में चोट लगी। कैसा एक्सीडेंट? छोटा सा एक्सीडेंट था, कुछ नहीं। हाँ, लवर का कॉल है? हाँ वही। ठीक है ठीक है, एंजॉय करो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। रुक जाओ, जाना मत, रुक जाओ। वो क्या है कि क्या बोलूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे आशा जी बताइए, कामकाज कैसा चल रहा है? गांव में पैसे वैसे तो भेज रही हो ना? वो जॉली तुम्हारी बात मानती है या नहीं, या अभी भी उस संजू के साथ चक्कर चला रही है? नेट खत्म हुए दो दिन हो गए, रिचार्ज नहीं करवाना है क्या? अरे बस 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 बस, काफी हो गया। कौन हो तुम? फोन को हैक करने वाले कोई हैकर हो क्या? तुम्हारे दिन भर फोन में लगे रहने की वजह से बच्चों को पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है, ऐसे आसपास के लोगों का कहना है। अच्छा, समझ गई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैराडोना। मैराडोना। और गांव कौन सा है? त्रिशूर का हूँ।
वैसे काम क्या करते हो? ऐसा कोई खास काम तो नहीं है करने के लिए, बस गांव से हाथ पैर तोड़ के छिपने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब बस ठीक से बताओ ना। गांव में गाड़ी का ब्रोकर हूँ, ये मेरे रिश्तेदार का घर है। यहाँ बैंगलोर में बिजनेस के सिलसिले में आया था और यहाँ पर आते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम घर पर रहती हो क्या? सुबह 7 बजे आ जाती हो, फिर शाम को 5 बजे आ जाती हो, यही काम है? जब मैं स्कूल में थी ना तब मुझे कोई पसंद था, उसका नाम पता है तुम्हें? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। अब तो अच्छी बात है। अच्छा मैं जरा अंदर जा रही हूँ। अब अंदर जाना जरूरी है क्या? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। बाय। पेट्रोल की गाड़ी है, जिप्सी है। अरे क्या भिड़ू, अरे कहाँ है तू? मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ। विल्सन? विल्सन होगा तेरा बाप। अरे निजाम ने बताया मुझे तू कर्नाटक में है, तो आखिर है कहाँ पे? हाँ मैं कर्नाटक में हूँ, निजाम की बहन के घर में। क्या करूँ ऐसी जिंदगी कट रही है, पैर में चोट लगी है ना, रेस्ट ले रहा हूँ। अच्छा हुआ तेरे साथ, साले तू हाफ मर्डर करके मुझे फंसा के भागा था ना। ऐसा नहीं है, मैंने बराबर मारा था उसे, मरने ही वाला था लेकिन किस्मत से बच गया। वैसे भी गांव में टीचर भी तो हमें ढूंढ ही रही है। हाँ निजाम ने बताया। अच्छा अभी तो कहाँ पर है? कलियक्का विला में हूँ। कलियक्का विला? अब क्या हो रहा है वहाँ पर? कलियक्का विला में चर्च है, वहाँ मैं कभी कभार होकर आता हूँ, शायद बदल जाऊँ। सुन के अच्छा लगा। वैसे तेरा नाम भी कृष्णा के अवतार के नाम पे ही है। काम पर ध्यान देना, बाहर की तरफ नहीं। वैसे एक बात बताऊँ, अच्छा इंसान बनने की मेरी प्रोसेस यहाँ पर इस घर में शुरू हो चुकी है। तू बोले तो मदद के लिए आऊं? अरे नहीं चाहिए भाई, मछली की सारी डिश मैं खुद ही बना लेता हूं। अच्छा सुन, मैंने निजाम से बात की तो पता चला कि उस वकील ने अभी तक कहीं पर कोई केस दर्ज नहीं किया। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर अब इलेक्शन खत्म होने तक तो हमारा ऐसे दूर रहना ही ठीक रहेगा। वैसे तू निजाम से बात करता रहे। ठीक है बॉस, और कोई काम? नहीं नहीं, कुछ रहेगा तो बताना। ठीक है। ये लो सर। ये सुधी यहीं पर कहीं छिपा है, उसके बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो पिछले कुछ दिनों से यहीं कहीं पर है, क्योंकि उसने आसपास के एटीएम से पैसे निकाले हैं और उस हिसाब से वो कन्याकुमारी की तरफ गया होगा यही लगता है। अरविंद के दोस्तों की बात माने तो दोनों में से एक लड़के को उन्होंने बहुत मारा था। हो सकता है कि मैराडोना सुदीप के साथ ही होगा, बाद में कहीं और सेट हो गया होगा। मैं छानबीन के लिए कन्याकुमारी जाने वाला हूं। बिजू, सबको पैसे मिल गए ना? मार्टिन, इलेक्शन का प्रेशर बढ़ने से पहले इसे खत्म करना होगा। हाँ देखो, मुझे अब मैसूर जाना पड़ेगा, वहां सिर्फ जया और सावित्री हैं। जरूरत पड़े तो फोन करना। तुमने निजाम की डिटेल चेक की? वो पक्का पार्टी वाला है, मेरी नजर है उस पर, लेकिन शक करने जैसा अभी कुछ मिला नहीं है। निजाम के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मैराडोना से बातचीत का कोई क्लू मिला? मैं सब कुछ पता लगा रहा हूँ। एक उसके और रिश्तेदार के बारे में पता चला है, उसकी एक छोटी बहन थी जो बचपन में ही घर से भाग गई थी और किसी श्री नाम के लड़के से शादी कर ली थी। अभी वो लोग बेंगलुरु में। मुझे शक है कि उनके बीच कोई कांटेक्ट हो तो बताना। ठीक है, डन। सिक्योरिटी
टेन बी बोल रहा था ना। हाँ सर बोलो। सर यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ दिनों से फ्लैट ही बंद पड़ा है। हाँ चल ठीक है। आ गई मैम साहब। क्या कह रही थी कल? मैं एग्जाम फीस भरने गई थी। काम करने का इरादा नहीं है। वैसे एग्जाम कौन सा था? अरे बाबा, एक्चुअली मैं बीएससी नर्स हूँ ना। ओके। कोई शक? नहीं तो? नहीं। देखो, मैं एक बड़े से हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे आगे पढ़ना है। बाकी सब आता है, लेकिन मैं ये किसी को बताना नहीं चाहती। मुझे मार्टिन को भी पैसे भेजने होते हैं ना, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। मतलब जिम्मेदारियां संभालने वाली लड़कियों में से हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा अगर इसके बारे में कुछ मार्टिन को पता चले ना, तो वो मुझे काट कर चूल्हे में डाल देंगे, क्योंकि 12 के बाद काम करना अलाउड नहीं है ना। इसलिए मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तुम्हारे सपने पूरे हो इसके लिए मैं गाँव के मंदिर में दिए जलाऊंगा। अरे सपने पूरे होंगे तो दिया खरीद कर मैं दे दूंगी। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? हेलो, अगली बार कहीं पर भी पेशाब करेगा क्या तू? तुझे समझ में नहीं आता? मैराडोना। अरे यार सॉरी मेरे भाई। हेलो। मैंने बताया था ना कि सुबह 3 बजे प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे लगा इसने चाबियां यहीं रखी होगी, और इसके भरोसे मैंने चेक भी नहीं किया, इसीलिए सारा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं और रैम्बो यहाँ पर बड़े मजे से रह रहे थे। रैम्बो? अरे कोई बात नहीं। अरे तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? ए टिक 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 टिक, हमने तो मजे किए, लेकिन शायद तुम्हें सजा मिली। हमने भी तो काफी एंजॉय किया यहाँ पर, ऐसे रहने की मुझे आदत भी तो है ना। अरे नहीं, मैंने आपको नहीं की। हाँ ये तो अभी की, पर पहले नहीं की थी। अब चीटिंग कर रहे हैं। जाओ, मैं भी नहीं खेलूंगा, मुझे भी नहीं खेलना। मैं नहीं खेलूंगी, तुम ही लोग खेलो। मैं बहुत थकी हूँ बेटा। ठीक है खेलते। So the secret weapon Trevor mentioned yesterday was Mega Evolution. Hmm? That surprises you? Trevor's been training. मैं तुम्हारे ट्रिप की फोटोज देख रहा था। बहुत बढ़िया जगह है ना? हाँ।
सच में बहुत अच्छी है। तुम कभी गए हो? नहीं अब तक नहीं। नहीं बेटा मैं खेल नहीं पाऊंगा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। नहीं बेटा मुझसे नहीं होगा। भाई खेल लो ना उसके साथ, कितने प्यार से कह रही है। नहीं आज नहीं। अरे जाओ ना तुम, खेलो मजा आएगा। The entire stadium is feeling the heat too. Right, there's no holding back. Respond to my heart. Now Keystone, beyond evolution. आपके खिलाफ सवाल है मिस्टर कोइकल। आपके खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है विपक्ष के खिलाफ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर भगत, टीवी पे सब आना चाहते हैं, कुछ मुफ्त में बांटने का ऐलान कर दीजिए, फिर देखिए जनता आपस में ही मर मिटेगी। और यही उन लोगों की वजह से अब हो रहा है, लेकिन ऐसी गिरी हुई राजनीति बस कुछ दिन ही चलती है, जनता खुद ही इसका जवाब देगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा इस कैंपेन के लिए। गोलीगढ़ के इलेक्शन के भावी प्रत्यक्षी मिस्टर कोइकल ही थे जो मैसूर से थे। अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, थोड़ी देर में मिलते हैं। अरे दिया क्या हुआ बेटा? क्या हुआ दिया, तुम रो रही हो? हमें हराया ना तुमने, क्या हो गया जो उनसे हार गए? ऐसे रोते हैं क्या? अरे बेटा जब जीत गई थी तो हंस रही थी ना, तो अब रो मत। अरे एक बच्ची है, हार जाते तो क्या हो जाता? कैसे कैसे हार जाऊं, इसने कॉम्पिटिशन रखा। हाँ बोलो। तुझे अभी मैसूर तक जाना होगा। हाँ वहीं किसी हॉस्पिटल में है वो अरविंद। ठीक है भाई। श्री अब मैराडोना का क्या करना है? दो दिन के बाद हॉस्पिटल जाएंगे, तब डिसाइड करेंगे। चलो कुछ दिनों के लिए निजाम भाई ने याद तो किया। हम भी तो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ रेंज थे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। तुम क्यों बिना मतलब परेशान होने लगती हो? क्योंकि मुझे लगता है निजाम भाई का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो बहुत जिद्दी और गुस्सैल है, और कोई रास्ता नहीं होगा, इसीलिए हमें कॉल किया। वो वहां इलेक्शन के लिए बिजी होंगे, तुम चिंता मत करो, अब सो जाओ। मैंने मैराडोना और उसके दोस्तों के फोन नंबर के डिटेल्स चेक किए, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। सुधी की वाइफ के फोन नंबर का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ ठीक है। इस लड़के को देखा है क्या आसपास? अरे ये आदमी आज सुबह ही चेकआउट करके चला गया। इन दोनों में से कोई था क्या? नहीं सर, सिर्फ यही था। क्यों सर, कुछ गड़बड़ है? ये लड़का क्रिमिनल है। क्या, ये लड़का क्रिमिनल है? यहाँ कन्याकुमारी के आसपास के होटल्स का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, उसके बारे में जानते हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है सर। मुझे तो लगा था कि सुधी आज हमारे हाथ आ ही जाएगा। कहाँ, क्यों, उसे पकड़ना नहीं है क्या? सब सोचते हैं कि पुलिस पकड़ ले और जेल में डाल दे, लेकिन वो लोग कभी पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे। जब पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी तो मैं भी यही सोचता था कि पकड़ा जाऊं, ना कि मैं मारा जाऊं। लेकिन पुलिस के लिए ये बात उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, उन लोगों के लिए तो कुछ और ही ज़रूरी था। मेरे बारे में जानने के बाद रोज़ी ने मुझसे शादी कर ली। दीदी को बहुत फिक्र है आपकी। मेरी बात सुनो, दो लोगों को मारना दो लोगों के पालने से ज़्यादा आसान होता है, ये तुम बाद में समझोगे। हे दिया। हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। बालकनी के फ्रेंड्स हैं। बाय। ख्याल रखना। हाँ,
हेलो। अरे तुमने अचानक से वो किया, मैंने तुम्हें दोस्त समझा। मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करती हो। मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स ही बताना चाहता था। खैर अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो ही मुझे फोन करना, वरना हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। भाई आपका सोचना सही था, अरविंद यहाँ आईसीयू में है, वो मरा नहीं है, बहुत बवाल करके रखा है उसके लिए। अच्छा मरा नहीं है ना, चल इतना काफी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके भाई। कौन है बे? सर क्लीनिंग स्टाफ सर। बता कहाँ है मराडोना? कौन है तू? तू कौन है बे? छोड़ मुझे। तू कौन है? बता कहाँ है वो? मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ मुझे। अभी बताता हूँ तुझे। मुझे नहीं पता, छोड़। कुछ नहीं जानता मैं। ए दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। सच में आशा को बहुत पसंद कर रहा हूं। हुँ?
हेड आया तो सचिन, मतलब आशा मुझे बहुत पसंद है। और अगर टेल आया तो मैं समझ लूंगा कि नशे में टेस्ट ड्राइव ले ली मैंने। या मिस कॉल दे 01120901701 पर। उस कोलिकोड के वकील को मारकर पार्टी के लोग जिस ड्राइवर को अरेंज किए थे उसकी मदद से ही उनका वहां दो दिन रुकने का प्लान था, और वहीं पास में ही अरविंद की पार्टी चल रही थी। तेरे ऑर्डर नहीं सुनने वाला, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मत बता, ठीक है? हे गाइस, सब ठीक है? प्लीज एंजॉय। संजू पार्टी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। अरे रुक क्यों गए? सॉरी काफी हो गया। देखो कौन है ये? इधर आ, इधर आ। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये देख अकेली पड़ी है। कौन है ये? चल क्या रहा है ये? वाह वाह, सम्माननीय पूर्व एमपी कोईकल चंद्रन का बेटा, क्या नाम है इसका? अरविंद है। हाँ, अरविंद की नंगी और गंदी पार्टी मनाने का लाइव वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अबे जा बे, नो वॉयलेंस ना, इधर पीने के लिए दे। बेटा जरा चेहरा दिखाना तो ठीक से। अच्छा देखो, इधर देखो, इधर देखो कैमरा में। सुधीर कमाल है यार, क्या बढ़िया होती है अमीर लोगों की पार्टी। वैसे अरविंद बेटा, अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो इसे हमने ब्रेकिंग न्यूज वायरल की, तो क्या बोलता है बोला? वैसे मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो किया है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। बेटा तू कल सुबह लगभग कोई कितना बोलू रे? आज बोल नहीं तो 10 बोल, सब मिलेगा। ऐसा है क्या? ओके 10 लाख लेकर आ जाना, तो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, मोबाइल भी तुझे दे दूंगा। सोच ले बेटा क्या करना है। बात है, कुछ बोल नहीं रहा, नई दुल्हन की तरह देखा कि नहीं बे? अरे राजा का बेटा मुंह नहीं खोल रहा है यार। पैसे लेने के बाद तुम मुझे चीट नहीं करोगे ना?
जो कुछ भी हो, लेकिन कल सुबह 8 बजे तक ये वीडियो सिर्फ मेरे फोन में रहेगा। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे। बेटा अरविंद, एक सलाह देता हूँ, तू ध्यान से सुन ले। मतलब बस सलाह है, बुरा मत मानना। अगर मारने का इतना तुझे शौक है ना, तो इस लड़की से नहीं, कभी असली मर्द से मिल लेना। ज्यादा शौक है ना लड़की का, तो कीमत अदा करके लड़की लाया करना। इन नादान लड़कियों को झांसे में फंसा कर उनको बर्बाद करने की कभी कोशिश भी मत करना, समझा? बहुत गलत कर रहा है तू, सुधर जा, सुधर जा। अरे इतने देर कहाँ थे? कुछ नहीं, ये लोगों ने थोड़ा गलती किया तो मैराडोना ने उनको समझाया। समझाना कोई गलत बात नहीं है ना, है क्या? कूल डाउन ब्रो। यार वो लोग आएंगे क्या? आएगा तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। अरे हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या भाई, वो व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई लड़की नहीं आई क्या? चल जाने दे। ये ले, जो करना है कर ले। सचमुच छोड़ दे क्या? चल अब निकलते हैं। ठीक है। अरविंद, अपनी गाड़ी की व्हील वो नीचे आ गई है। अरे तो चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। नहीं नहीं, अरे जब गाड़ी आ गई है तो ले चलना हमको। अच्छा, कुछ करेंगे नहीं, खाली साथ में बैठे रहेंगे। चल, फालतू में डरता रहता है। भाई भाई, भाई। देख भाई देख, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये गाड़ी। भाई ए, चल उतरना बे। सुधी को बहुत पसंद थी, इसके लिए एडवांस भी दिया था। देख कैसे मजे ले रहे। वैसे इस गाड़ी की कीमत के हमने 5.5 लाख रुपए रखे थे, लेकिन अब क्योंकि तू हम लोग का आदमी हो गया है तो 6 लाख में तेरे से गाड़ी खरीद। ये ले 6 लाख रुपए। अरे नाराज क्यों हो रहा है यार? करना यार, वैसे नुकसान तो दोनों का है ना, लेकिन गाड़ी उसको बहुत पसंद है। और देखना गाड़ी को भी वो पसंद है। अरे बिड़ू उतर मत, गाड़ी को हमने खरीद लिया है। क्या बोलते हो? और हम इस गाड़ी के मालिक है, ये लड़के भी ये बात अच्छे से जानते हैं। खरीद लिया। पहले मैं खुद पे शक करता था, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत स्मार्टनेस है। पहचान कोकल चंद्रसेन का बेटा अरविंद, यहां सिर्फ अरविंद का बाप चंद्रसेन है। मैं सिर्फ राजा का बेटा नहीं, राजा ही हूं। और ये मेरी शान है, समझे? Oh!
पार्टी किसकी थी ये तो पता चल गया। एक आदमी और था ना, मैराडोना। प्लीज नो, प्लीज नो। ओके आई एम गोइंग। गोइंग? अरे यार प्लीज। ओके ओनली टू मिनट्स। ओनली टू मिनट्स मोर? ओह यस्टरडे हॉलीडे, व्हाट प्रोग्राम? यस्टरडे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जीना जॉली एंड माई सेल्फ वेंट टू चर्च फॉर अ संडे प्रेयर। We eat breakfast. Eat a later. We had breakfast in the hotel. Then we went to Reshma's home for the function. There we had a what function? Reshma's child's. Reshma's child. What function? अजीब. Child पैदा होने के function को English में क्या कहते हैं? हाँ. अरे मैंने बताया था ना कि English में मैं बहुत ही कच्चा हूँ. इसमें पढ़ना ठीक नहीं है. हेलो अरे तुम्हें इंग्लिश सीखना है, उस आदमी से बात करो, उसे देखने से ही पता चलता है वो इंग्लिश का जानकार है। अरे ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बात करने से इंग्लिश भी सुधरेगी और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और जल्दी सीख पाएंगे ना। ओहो अच्छा याद है मैंने बताया था मणिपाल के बारे में जो मेरे साथ पढ़ रहा था? अपर्णा। अपर्णा बंगाली में ऐसा ही बोलते हैं। वेकेशन में मैं उनके साथ गांव गई थी, सबसे पहली बार मिली और मेट्रो सिटी भी देखी। मुझे कलकत्ता बहुत पसंद आया। उसके बाद उसके शादी में गई थी। मेरा तो मन करता है कि वहाँ सेटल हो जाऊँ। वो तो अभी भी मुझे बुला रही है। हाँ एक बार जरूर जाऊंगी वहाँ। ओके। अरे मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया? मैंने तो रिप्लाई दिया था। है? है?
मैराडोना। हाँ क्या हुआ? प्लास्टर निकालने के बाद कुछ दिन तक पैर पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। दिया। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता हो गया, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने आए थे ना, तुम्हारे लिए एसयूवी अच्छी रहेगी, या फिर मेरे जैसी ही ले लो। तुम्हें बोर होता है तो मम्मी से बात कर लो, है ना बेटा? हाँ। जरूर। हम सब भी गाँव आना चाहते थे पर हमने अभी छुट्टियाँ ली थी तो अब मुश्किल। निजाम ने तुम्हें कॉल किया था? नहीं, उनका फोन वापस नहीं आया। अरे घूरना बंद करो, वो खुद भाग के अपना वजन कम कर लेंगे, तुम्हें घूरने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, वो घर से बाहर निकले मुझे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए बस आसपास ऐसे ही देख रहा हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हारा अंदर रहना ही ठीक है। आशा। आशा। क्या हुआ? क्या हम लोग लालबाग पार्क में चलें क्या? हाँ? वहाँ अकेले बैठकर शांति से बात करने के लिए बहुत जगह है, अपने दिल की बात वहाँ पर आराम से कर सकते। ओ हीरो, पहले तुम यहाँ कैसे चलना है वो सीख लो, जब तुम ठीक हो जाओगे ना तब मैं खुद लेकर जाऊँ। कौन है? पहले मैं जहाँ काम किया करती थी वहाँ का गुंडा है। तो उसका नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। नंबर ब्लॉक किया था मैंने, वो हर बार नए नंबर से कॉल करता है, पता नहीं उसने मुझे क्या समझ कर रखा है। बंदा कैसा है, दिखने में अच्छा है क्या? अरे वो 40-50 साल का है, उसके फैमिली के बारे में सोचकर मैंने अभी तक कंप्लेन नहीं की। तो हम उससे सामने मिलकर बातचीत से मामला सुलटा दें तो? कुछ नहीं होगा, वो अपने गांव वाला है क्या? क्यों? अरे तब तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तुम कोई परेशानी मत खड़ी करना। अरे मुझे बाहर आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ठीक है, उससे पूछो वो मिलने के लिए फ्री है क्या कल। लेकिन क्यों? तुम पूछो तो सही। पैसों को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लेना तुम। अरे पैसे तो मिल ही जाएंगे। वैसे आजकल बहुत सुंदर दिखने लगी हो। उसे मारा ना? अब तुम दो मिनट यहां वेट करो, मैं उससे मिल के आता हूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात मानो, सुनो। रुको अभी आता हूं।
तो चले। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ धमकी देकर छोड़ देते। ए, जो किया वो बहुत कम था। पिछले जन्म में तुम गुंडे थे क्या? अरे इतने मासूम बच्चे को तुमने गुंडा बना दिया। आजकल लड़कियों को लड़कों का प्रोडक्शन अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? ओके। तो फिर और दो कॉफी हो जाए। भाई दो कॉफी। ठीक है सर। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? नहीं। अंकल आपका असली नाम क्या है? मैराडोना। अरे वो नहीं, सही सही बताइए ना। ऐसा है क्या? आ? सच में? चुम्मा मिलेगा क्या? अरे क्या हुआ, लगे तो नहीं ना? अरे बाप रे, अंदर कहाँ आ रहा है? बाहर चलो। एक मिनट, किसी को पता नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़। तुमसे एक चुम्मा नहीं दिया जा रहा है? नहीं। क्यों, मैं पसंद नहीं हूँ क्या? पसंद हो। तो फिर तड़पा क्यों रही हो? शर्मा रही हो? इससे पहले कभी किसने ही किया है क्या? नहीं।
वो 8th में पढ़ते हुए तुम्हारे पीछे पड़ा था, उसने नहीं किया? नहीं। इसका मतलब पहली बार तुम्हारा चुम्मा मैं लूंगा। किसने कहा कि मैं किस देने वाली हूँ? अभी दोगी ना? नहीं। दोगी ना? नहीं। दोगी ना? संभालिए खुद को, बिल्कुल मत रोइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, तुम दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ गए थे? मैं तो टेरेस पर था, क्यों क्या हुआ? अपने नरेश को कुछ गुंडों ने मारा है। अरे बाप रे। मैं बताती हूँ आकर। श्री नरेश को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। पर ये सब हुआ कैसे, मामला क्या है? बताती हूँ ना आकर। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। डरिए मत आंटी, डोंट वरी, मैं लेके चलती हूँ ना। मैं लेके चलती हूँ। भाई प्लीज थोड़ा इसे संभालो ना। हाँ। प्लीज शांत हो जाइए आंटी, मत रोइए आंटी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी हम सब हैं ना आपके साथ, आप मत घबराइए। वो नरेश की गर्लफ्रेंड है ना, उसके घर वालों ने गुंडों से पिटवाया है। Why don't you kidnap her, man? Sorry, my bad. All right. Good. तेरा पैर कैसा है? Now it's okay, it's better. Hey, Maradona, आओ ना अंदर। आओ आओ बैठो ना। Okay, take care. Okay, bye. चल। Oh. Oh. हाँ, bye. 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 अब क्या? Oh. आओ ना बैठो। अरे मैं कर लूंगा, तुम बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, बैठो। माँ कॉफी लाना। नहीं कॉफी नहीं चाहिए मुझे। क्यों, सिर्फ सिगरेट ही पियोगे क्या? हाँ अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? नहीं नहीं। क्यों, खुद मारने जाने वाले हो क्या? तो हिम्मत नहीं है? हिम्मत की बात नहीं है, बट मुझे जो लोग मारने आए थे उनमें से एक उसका कजिन था। कल मैं भी उसे साले नाम से पुकारूंगा, रिश्ता होगा। माँ पहचाना इसे, दिया का कजिन है। हाँ। मारना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आगे का सोचकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी एक पावर ही है। इनफैक्ट उसी के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं मुझे गांधी मत बना देना, मैं भी एक्शन मूवीज का बड़ा फैन हूँ। हाँ रजनी सर का फैन। मुझे भी बहुत पसंद है एक्शन मूवीज। वैसे अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी गिटार की धुन सुने बिना नींद आएगी क्या? मैं भी उसे ये पूछता था, लेकिन कहती है अब सिर्फ एक महीना सिर्फ बातें ही करेंगे। सुपर। ओके नरेश, बाय। हाँ। बेचारा आप चैन से नहीं सो पाएगा, उसके साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन उसे समझाने के लिए उसके साथ कोई अच्छा दोस्त नहीं है क्या? देखो उन गुंडों के लिए ये सब तो सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है, और ऐसा करके वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, इसलिए तो करते हैं। एक अकेले को भीड़ में मारना इसे पावर कहते हो तुम? और तुमने क्या कहा, पावर दिखाने का मौका? ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीते ना वो लड़कियां थी, पावर की बातें मत करना समझे। देखो यहाँ इज्जत से पैसा कमाने के लिए कई रास्ते हैं। दीदी को ही देखो ना, सफाई कर रही है, मेहनत कर रही है, बस यही नहीं होता सबसे।
हमारी जीत तो पक्की है ना मार्टिन? पक्की है। कोई 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 20 करोड़ दिए थे इलेक्शन पे खर्च करने के लिए, सब चला गया। उसकी यादाश्त लौटेगी, डॉक्टर ने कहा है, इंतजार कीजिए। लेकिन कब तक? वेस्ट है। इस इलेक्शन से मुझे बहुत उम्मीद थी। उस लड़के को पकड़ने का कोई फायदा हुआ? अभी तक उसने मुंह नहीं खोला। वो दूसरा लड़का कब हाथ लगेगा? सुधी, जब मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए निकला था, तब मेरी पत्नी ने कहा था कि एक दिन मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। तो मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों को मारने नहीं निकला हूं। कोइकल भाई भी अभी शांत हैं। तुम्हें उठाने से दूसरा भी जेल में जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे लगा था। लेकिन तुमने भी हमारा साथ नहीं दिया, इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं। फ्रस्ट्रेशन इतना जैसे मैं हार गया हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्त को धोखा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth. आजकल WhatsApp पे वीडियो जो वायरल हो रहा है वो केरला का बताया जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से साइबर सेल इस वीडियो की जांच करने में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से मार रहे हैं इसे। बोलो भाई। अरे सुन, सुधीर ने तुझे कॉल किया था। नहीं भाई, एक बार भी फोन नहीं आया, क्यों, क्या बात है? उसके घर पे जाओ, वहां पर क्या हो रहा है मुझे बता जल्दी। ओके भाई, क्या कोई परेशानी है भाई? तू चल के पहले वहां देख और मुझे बता। ठीक है भाई।
कमरे में बंद करे हुए है, किसी से कोई बात नहीं करता। मैंने पूछा तो बोला किसी करीबी का एक्सीडेंट हो गया है। सुधी का एक्सीडेंट? इतना तो नहीं पता। दिया यहाँ। मम्मी अंकल रो रहे हैं। कोई बात नहीं, चुप हो जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुदीप कैसा है? सुदीप का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि पिछले जन्म में मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं था। पिछले नहीं, इसी जन्म में मैं क्रिमिनल हूं। सही किया या गलत, सच कहूं तो उसके बारे में मैंने कभी ठीक से सोचा भी नहीं था, पर आज तुमसे सब सच कहने का मन कर रहा है। आशा, तुम्हारे कहने के हिसाब से उसने तुम्हारे अतीत को जाने बिना ही तुम्हें पसंद कर लिया था ना, यही बात है ना? देखो, तुम्हारे अतीत को जाने बिना तो कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम भी अपने अतीत को भूल जाओ बस। नहीं, शुरुआत करो। मैं उससे एक बार अपने दिल की बात करके समझाना चाहता हूँ, पर वो कहाँ है मुझे पता ही नहीं है कुछ। ऐसा कोई आशिक ही नहीं होता जो अपने आशिक को कभी ढूंढ ना पाए। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ सच बता दिया, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
जा केविन। बेटा। अरे ये मुझे चाहिए। एक काम कीजिए, आप अपना फोन दीजिए उसे। हाँ यहाँ आओ, मुझे चाहिए। इसे देखो, देखो इसे। अरे बैठो। हाँ एक गुड़िया, आ जाओ चलो मिलके खेलते हैं। आ जाओ, आओ आओ, तुम नहीं आओगी तो इससे खेलूंगा। पापा, प्लीज, हाँ बोलो। भाई साहब, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो वही है क्या? देख के मुझे बताइए ना। बगल के होटल का ही वीडियो है और यहीं से बेंगलुरु का रास्ता भी खुलता है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए क्या? पापा, फोन दीजिए। ये तो मेरी माँ जैसी लग रही है। एक बार माँ को फोन कर लो, बात करनी है। ये मेरा बेटा है टोनी, बैंगलोर में ही है, बस 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन कभी आया नहीं मिलने। जब दिल होगा तब आएगा। अभी तो वो बस पैसे के पीछे भाग रहा है, अभी उसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। उसे हमारी कोई चिंता नहीं पैसों के आगे, लेकिन मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। देखते हैं जब आएगा तब आएगा, बट आई एम हैप्पी।
अगर वो हमें यहाँ नहीं मिला तो? पैसे सब चला गया, उसका दुख नहीं है मुझे। हमने उस पर विश्वास किया था, दुख इस बात का है। मैंने उसे सगे भाई की तरह माना था। श्री, एक मिनट। आप निजाम के दोस्त हो ना, तो जाकर उसे कह देना उसने हमारे साथ गलत किया है। मैं अरविंद का दोस्त हूं। मेरे बेटे की याददाश्त चली गई है, अब वो किसी को नहीं पहचानता है। अब थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है, जब भी बाथरूम जाना होता है तो माँ कहकर पुकारता है। मैंने ही उसे बताया था कि मैं उसकी माँ हूं। वो जब भी गलती करता था तो उसे फटकार के सुधार दिया होता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी करनी की सजा ऊपर वाले ने हमें दे दी। अरविंद के पिता को रोने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम उसके साथ पढ़ते थे? अरविंद को मारने वाला मैं ही था। सुबह दीदी को कॉल करके बता देता हूँ। तो इतनी रात को कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ।
तो भाई, ए भाई, अभी तक तू मरा नहीं क्या? एक सिगरेट पिलाना भाई। तू जिंदा है? सच्ची बोलूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साले मुझे पकड़ पाएंगे, पर फिर भी पकड़ा गया। पर जब भी सालों का मन होता है तो आके मुझको मारेंगे। लेकिन तू कैसे पकड़ा गया? अरे मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, मैंने खुद सरेंडर किया। चल अच्छा किया तूने। लेकिन उस लड़की की याददाश्त चली गई यार। अरे मुझे पेशाब करना है। आजा तू भी कर ले। ये सब छोड़, ये बता तुझे बैंगलोर कैसे लगा? तूने टेस्ट किया था ना? छोड़ना यार, सारा काम बिगड़ गया। वैसे पहले उसका फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद ही फंस गया हूं। अरे वाह, ये तो तू मुझे प्यार की कहानी सुना रहा है। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो क्या? चल बता। उसे मेरे अतीत के बारे में पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया। अबे साले, वो तेरा अतीत जानकर तुझसे प्यार करेगी क्या? वो क्या अब्दुल कलाम है क्या? तुझे उससे अच्छे से समझाना चाहिए था ना। अबे मैं गया था। तो उसने क्या क्या कहा जब तू मिला? बताना क्या कहा उसने। वो वहां से चली गई थी, वो बेंगलोर में कहीं है। खैर वो छोड़, बैठ जाए। मुझे तो उस लड़की और बच्चे का
लड़का है लारा है जिसकी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी पर मैंने सब खराब किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ हूं मैं। सबसे अच्छे पल थे वो। सच्चे दिल से उसकी माफी मांगना चाहता हूं। ये ले, फोन कर उसको। मैं तो बस तेरा ही नंबर जानता हूं ना यार। कॉल किया? मैं अभी गांव आया हूँ और यहाँ पर मेरे साथ अभी सुधीर भी है। क्या? हाँ, मैं अभी उसके पास ही बैठा हूँ। अरे वाह! हेलो आशा। यस कमिंग, वन सेकंड। हाँ, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। अब फोन रखती हूँ। ओके बाय। अच्छा सुनो, तो अभी तुम कहाँ पर हो? खुद को क्रिमिनल समझते हो ना, पता लगा लो। वैसे भी सच्चा इश्क अपने प्यार को ढूंढ निकालता ही है। ढूंढो। क्या कहा उसने? लगता है अपना लिया उसने मुझे। सब जानकर भी हमें प्यार करती है, मतलब सच्ची चाहने वाली है। सच में बहुत अच्छी इंसान होगी। लेकिन मेरे वाली से मैंने गलत किया। लेकिन तुझे मेरे भाई उससे शादी करनी होगी। मेरे बच्चे का नाम सुधी है। अच्छा, अगर बच्ची हुई तो क्या करेगा? बच्चे का नाम सुधी रखना। ईसा। हाँ बोलो। एक हेल्प चाहिए। क्या बात है? तुम्हें कोई कल के घर तक जाना होगा और वहां जाकर Go!
यहाँ पे पूरी सेटिंग कर दी है, अब सब कुछ अपने कंट्रोल में है। ठीक है, जो कुछ भी किया सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए। अरविंद मरा नहीं है क्योंकि मैंने उसे मारा भी नहीं था। जब तक मैं और मेरे लोग मेरी नजर में पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे तो आपका बेटा लौटा दूंगा। अरविंद की मां को भी ये बता देना। दो चाय, सिगरेट है, पैकेट नहीं चाहिए, सिर्फ एक। एक पाव भी ले रहा हूं। अच्छी है। क्या पियोगे? चलते हैं। जैसे कि आउसे बच्चन ने कहा था, मैंने सच में अपना अतीत भुलाने का फैसला ले लिया था। यहां तक कि वो खुद कौन था उसे भी याद नहीं था। आज या कल इसकी याददाश्त लौटेगी जरूर, या शायद नहीं भी, और अगर लौट आई भी तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसके लिए मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है और मुझे इस सफर पर जाना ही होगा।